विजिट कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हैं द हिमालय एकेडमी। आइए चलते हैं द हिमालय एकेडमी की विजिट पर। देवास के राधागंज में स्थित द हिमालय एकेडमी देवास में एक ऐसे शिक्षण संस्थान के रूप में पहचाना जाता है जो अपने विद्यार्थियों के शैक्षणिक ज्ञान के साथ ही उनका परिपूर्ण विकास करने में सहायक है। द हिमालय एकेडमी के 3 मंजिला भवन तथा प्रत्येक तल पर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को देखकर यही लगता है कि द हिमालय एकेडमी की स्थापना जिस लक्ष्य को लेकर की गई थी उसमें वह सफल रहा है। पंद्रह वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए द हिमालय एकेडमी में शैक्षणिक अनुशासन का आभास पहले ही झलक में द हिमालय एकेडमी के विद्यार्थियों को देखने पर मिल जाता है। आइए अब हम आपको यहाँ के क्लासरूम्स में लेकर चलते हैं। हवादार एवं प्रकाशयुक्त क्लासरूम्स में स्टूडेंट टीचर का समुचित अनुपात द हिमालय एकेडमी के शिक्षा के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। दिव्या मैम, आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेते हैं यहाँ पर? मैं EVS मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर लेती हूँ। कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट क्लास को। ओके मैम, स्कूल की अमेनिटीज़ के बारे में बताइए, क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलती हैं? बच्चों को लाइब्रेरीज वगैरह और कंप्यूटर लैब है यहाँ पर, गेम्स वगैरह सिखाए जाते हैं, म्यूजिक्स वगैरह भी, जैसे एनुअल फंक्शन है तो उनको बहुत, मतलब 1-1.5 महीने पहले से इनको वो प्रैक्टिसेस सब होती रहती हैं, और जैसे इनकी एग्ज़ाम्स होती हैं, तो जैसे कि अदर स्कूल्स में क्या रहता है कि एग्ज़ाम्स के पहले सिंपल सा रिवीजन होता है, लेकिन हमारे स्कूल में 2 महीने पहले से CWE कंडक्ट करते हैं। CWE में क्या होता है कि CWE में बच्चों को हर हफ्ते सैटरडे और वेडनेसडे इनको है ना पेपर्स में, मतलब जैसे अपने एग्ज़ाम्स के पेपर्स बनते हैं ना, वैसे इनके हर 2-2 चैप्टर के पेपर्स बनते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं 2-2, हर 2 महीने में उनके, मतलब हर वीक के सैटरडे और संडे उनके टेस्ट होते हैं 2-2 चैप्टर्स के, तो उससे बच्चों का रिवीजन भी अच्छा हो जाता है और एनुअल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाते हैं। मैम, कंप्यूटर वगैरह का लेक्चर इनको कितने टाइम में मिलता है? इनको वैसे तो इनको रोज़ ही मिलता है, लेकिन अभी जैसे कि एग्ज़ाम, इनके एग्ज़ाम हो चुके तो अभी सिर्फ इनको टाइपिंग वर्क भी सिखाया जा रहा है, जैसे एग्ज़ाम हो जाती है तो नहीं देते लेक्चर, लेकिन इनको टाइपिंग सिखा रहे हैं बच्चों को वो भी, और जैसे कि एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है कुछ बच्चों की, इंग्लिश स्पोकन के लिए ऊपर लगती है छुट्टी के लिए, जो बच्चे रुकते हैं उनको सिखाया जाता है। थैंक यू मैम। क्लासरूम्स के बाद अब चलते हैं प्रैक्टिकल रूम में, जहां एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा द हिमालय एकेडमी के विद्यार्थी अपने विषय को और निकटता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रैक्टिकल के बाद आइए अब आपको लेकर चलते हैं द हिमालय एकेडमी की भव्य एवं सुसज्जित कंप्यूटर लैब में, जहां विद्यार्थी एक अलग ही अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं।
आइए अब द हिमालय अकेडमी के इन बच्चों से पूछते हैं उनके स्कूल के बारे में वे क्या सोचते हैं। माय नेम इज अनुराधा राठौर, आई स्टडी इन क्लास 7B। अनुराधा, हु इज योर फेवरेट टीचर? पूजा रघुवंशी मिस। कितने सालों से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं? 9 years। 9 years, ओके। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? SST। SST क्यों? SST तो बहुत बच्चों को पसंद नहीं होता है। क्योंकि अभय मेहता सर पढ़ाते हैं। अभय मेहता सर आपको इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आपको सब्जेक्ट पसंद है। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं आपके स्कूल में? ड्राइंग्स, कंप्यूटर लैब और अदर एक्टिविटीज। एनुअल फंक्शंस में पार्ट करते हो? यस। क्या करते हो उसमें? सॉन्ग्स एक्सेट्रा। ओके। डांसिंग पसंद नहीं है आपको? नहीं। पूजा, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या आता है आपको? MS Word, MS Excel, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स, वॉलपेपर्स चेंज एंड एक्सेट्रा। ओके, सो दैट मीन्स यू नो वर्ड वेरी वेल। MS Word बहुत अच्छे से आता है आपको। हर्षिता, आपने स्कूल के बारे में हमें कुछ बताइए। स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाते भी बहुत अच्छे से हैं और सब शेड्यूल के हिसाब से अच्छा चलता है। और आपके स्कूल की वो बात जो आपको सबसे अच्छी लगती हो? वो यही कि सारे सर मैडम ठीक से पढ़ाते हैं और अच्छा शेड्यूल है स्कूल का। दैट मीन्स शेड्यूल काफ़ी अच्छा है और टीचर्स आपके बहुत अच्छे। यस मिस। शुभम, कितने सालों से आप हिमालय में पढ़ रहे हैं? 3 years। सिंस 3 years, ओके। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके स्कूल में? लाइब्रेरी में ले जाते हैं, डांस होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। आपका फेवरेट क्या है? चेस, इंडोर में। हाँ, इंडोर में चेस और आउटडोर में? क्रिकेट। ओके, सो कंप्यूटर में क्या क्या आता है आपको? कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। MS Word, ऑफिस आप बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा आपके स्कूल में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? ये हर ईयर कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करते हैं। okay. मतलब कुछ ना कुछ नई फैसिलिटी करते हैं हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए। okay. और नेक्स्ट 5 years में हो सकता है ये बेस्ट स्कूल बन जाए। वेरी नाइस। सो आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स स्ट्रीम से है आपका और मैथ्स फेवरेट है? ओके, वाई सो? क्या अच्छा लगता है मैथ्स में आपका? ऐसा डिफिकल्ट है इसलिए डिफिकल्ट थोड़ा अच्छा है। अब बच्चों के लंच का समय हो चुका है। आइए लंच कर रहे नन्हे मुन्नु और उनकी टीचर से भी कुछ बातें करते हैं। मैडम आपको ABCD पढ़ाती है? आता है आपको ABCD? बताओ। और 1, 2, 3 आता है? 1, 2, 3 बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
लैंग्वेज कौन सी आती है आपको? पोएम आती है आपको? चंचल। चंचल, चंचल पूरा नाम बताओ आपका। चंचल यादव। चंचल यादव, कौन सी क्लास में हो आप? यूकेजी। यूकेजी में। लंच कर लिया आपने? कर लिया। क्या खाया आज लंच में? पराठे और गोभी की सब्जी। पराठे और गोभी की सब्जी, ओके। सो चंचल, आज क्या क्या पढ़ा आपने? मिस और ड्राइंग का पेपर और जीके की सब। ओके, ये भी सीधी आती है आपको? कोई सी फेवरेट पोयम है आपकी? हाँ जी, बोल के बताओगे हमको? नहीं आती आपको? ओके। चंचल, आपको पढ़ने में क्या पसंद है? स्पेलिंग पसंद है आपको। फेवरेट टीचर कौन है आपके? दोनों मिस फेवरेट हैं आपके। लंच के बाद चलते हैं नन्हे मुन्नों के प्ले रूम में और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इन बच्चों की मासूम सी एक्टिविटी के बाद द हिमालय एकेडमी के टीचर्स से जानते हैं कि वो अपने स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर एक स्पोकन क्लासेस रहती हैं, प्लस CWE डेली कंडक्ट वीकली कंडक्ट हो रही है, एंड एक्स्ट्रा टू दैट डांस है, म्यूजिक है, करिकुलर है, क्लास्टिक है, प्लस कोस्कोलास्टिक है। मैम, आपके यहाँ की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसके बारे में हमें बताइए। मैम, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल्स, लाइक अगर बच्चों को बॉल्स का या कुछ ऐसे राउंड शेप्स का बताना है, जैसे मैथ्स में हम लोगों को एक्सप्लेन करना था शेप्स के बारे में, तो रेक्टेंगुलर हुआ, ट्रायंगल हुआ, कोन हुआ, तो वी विल टेक द एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली। वी विल नॉट ड्रॉ द एग्जाम्पल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, वी विल सॉ ऑन दैट ब्लैक बोर्ड प्रैक्टिकली। दैट मीन्स यहाँ पर थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है। मैम, बिकॉज प्रैक्टिकली बच्चे ज्यादा समझते हैं, थ्योरेटिकली बच्चे क्या होते हैं, लिख लिया तो हम लोग लिख कर कभी कुछ चीज समझ नहीं पाते हैं जब तक हम उसको प्रैक्टिकली देखते नहीं है। मैम, यहाँ पर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं बच्चों के लिए? यहाँ पर एनुअल फंक्शंस तो होते ही हैं, उसके साथ भी हम बच्चों को क्लास में भी एक्टिविटी कराते रहते हैं, जिसके थ्रू वो एक इवेंट की तरह ही हो जाता है, उनका प्रेजेंटेशन होता है, क्लास में परफॉर्मेंस होता है, तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। सिर्फ स्टेज ही परफॉर्म करने के लिए नहीं होता है, वहाँ पर भी उनको कॉन्फिडेंस आता है तब वो स्टेज पर परफॉर्म कर पाते हैं। और इसके अलावा गेम्स होता है, गेम्स के लिए भी उन्हें समय दी जाती है, क्लास में भी गेम्स होते हैं, उसके अलावा आउटडोर भी है, और इस तरह से कंप्यूटर पे भी है, कंप्यूटर पे भी वो टाइपिंग सीख रहे हैं अभी, और टाइपिंग के अलावा भी उन्हें इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाता है, इंटर पे भी वो किस तरह से क्या सर्च करना है और क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं कंप्यूटर पे, इसका भी नॉलेज दिया जाता है उन्हें। आपके स्कूल में ऐसा क्या डिफरेंट है दूसरे स्कूलों से? हमारे स्कूल में ये डिफरेंट है मैम कि वी आर प्रोवाइडिंग स्पोकन क्लासेस अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश सब्जेक्ट, मतलब कि हम बच्चों को स्पोकन और उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनके क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग 2.5 आवर एक्स्ट्रा क्लासेस अपार्ट फ्रॉम स्कूल टाइमिंग। मैम, बच्चों पर पर्सनल फोकस या पर्सनल अटेंशन किस प्रकार प्रोवाइड कर पा रहे हैं आप लोग? मैम, हम बच्चों को अलग से मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं जिनका टाइमिंग, जैसे बच्चों का लिविंग टाइमिंग 12:30 रहता है, बट 12:30 के अलावा हम लोगों ने 3 o'clock तक अलग से टीचिंग करते हैं, और उनका अलग से मतलब वीक का अरेंजमेंट करके उनको बच्चों को टीच करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एम्बियंस यू आर गेटिंग हियर। I got the best atmosphere here rather than others, those they are providing services in Devas city. They are the reputed educational institute in Devas. I am satisfied with this atmosphere, then I hope I will provide services here for this organization for whole life. The Himalaya Academy में पढ़ाई के साथ games भी होते हैं, आइए चलकर देखते हैं।
ये है द हिमालय अकेडमी का टीचिंग स्टाफ, जिनके मार्गदर्शन से आपके बच्चों को मिलती है नई ऊंचाइयां। आपने देखा हिमालय एकेडमी। अगली बार मिलेंगे फिर किसी नए स्कूल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।